हमने एसटीएच बीरवा के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया, जिसमें हमने 40 ब्लड यूनिट्स डोनेट करवाए। ये बीरवा की आवाम के लिए एक खुशखबरी है कि ये जो बीरवा हॉस्पिटल है इसमें ब्लड स्टोरेज सेंटर है, अब यहाँ पर हम ब्लड स्टोर कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली हम मरीजों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बीएमओ बीरवा डॉक्टर जादव गनाई साहब और सीएमओ बड़गाम, उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस ब्लड कैंप को करने में। चाहे हम हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या और भी कोई इवेंट्स होते हैं, उनमें उनका अच्छा खासा रोल रहता है, अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। तो मैं आप सब से, आपके माध्यम से जो लोग ड्रग्स और बाकी गलत चीज़ में मुब्तला होते रहते हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो इन सब चीज़ से बाज आ जाए और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से और मिनिस्टर हेल्थ से, ये जो बीरवा है ये एक वास्ट एरिया है, इसके साथ 120 गांव वाबस्ता है, तो इस काफ़ी दबाव है यहाँ पे। लेकिन ये जो अभी ब्लड है हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ब्लड बैंक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ब्लड स्टोरेज सेंटर जिसमें हम 5 यूनिट्स खाली स्टोर कर पाते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे ब्लड बैंक का होना बहुत ज़रूरी है और मेहरबानी करके ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम किया जाए। और जी देखिए, फिलहाल मैं एक अकेला आदमी हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ खुद ही, लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन इवेंट्स हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे वो साइकिलिंग इवेंट हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स इवेंट हो। तो ऐसे ही मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जैसे मैं करता हूँ, या चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट, उनको भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में करना चाहिए। और इंशाल्लाह आगे मेरी ये उम्मीद रहेगी कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करूँगा।